घाटशिला के मारवाड़ी धर्मशाला में आलमनार सोशल सर्विस वॉलंटियर फॉर्म नवाब कोठी के बैनर तले एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 76 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर काफी संख्या में उपस्थित लोग उत्साहित दिखे। धलमुंगड़ एयरपोर्ट की होने वाले भूमि पूजन को लेकर जमशेदपुर के समाहरणालय सभागार में जमशेदपुर उपायुक्त अमित कुमार एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता की एवं कहा कि धलमुंगड़ एयरपोर्ट पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य के लोगों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला साबित होगा एवं जमशेदपुर, घाटशिला और धलमुंगड़ आने वाले दिनों में एक नए आर्थिक गलियारे यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि 24 जनवरी को 3 बजे राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा धलमुंगड़ एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही झारखंड सरकार एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच द्वारा विशाल टूसू मेले का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड राज्य के विभिन्न प्रांतों के अलावे उड़ीसा तथा बंगाल से भी लोग शामिल हुए। राजनगर के बीआरसी में बाल समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालयों के छात्र छात्राओं की प्रतिभाओं को उजागर करने से संबंधित जानकारियां दी गई। इस अवसर पर गीत संगीत नृत्य चित्रांकन प्रतियोगिता समेत क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 9 to 12 आयोजन किया गया, सफल भी हुआ और सभी बच्चे तो देख ही रहे पर प्राइज मैंने वितरण से निश्चित रूप से उनकी विकास होता है और बच्चों में एक सामूहिकता बोध होता है और विभिन्न जगहों से बच्चे जो आए हैं प्रखंड के विभिन्न सुदूर जंगलों से देहातों से है ना, आपस में समन्वय स्थापित करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इससे उनमें एक सामूहिकता का विकास होता है। ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है या इस तरह की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उसमें एक ये पार्ट है। क्या नाम है सर आपका?
सुनील कुमार केसरी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी राजनगर। घाटशिला के कारा डूबा राजकीय कृत तारामणि स्मारक उच्च विद्यालय में आज हरिद्वार के अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से नशा भारत छोड़ो अभियान पहुंचकर वीडियो फिल्म के जरिए लोगों को संदेश दिया। फिल्म के जरिए नशे से होने वाले गलत प्रभाव एवं इससे बचने के लिए विभिन्न तरह के उपायों के बारे में जानकारियां दी गई। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को पूरी तरह से सफल बनाने को लेकर तैयारी जोरों पर है। इस योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर राजनगर के CDPO संचिता भगत समेत अन्य अधिकारियों द्वारा अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस संबंध से CDPO ने बताया कि सरकार की ये योजना लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होगी। ये नई योजना लॉन्च की जा रही है जो बहुत अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जिसके तहत 7 वर्ग है इसमें लाभुक लोगों का रखा गया, जिसमें से जन्म से 2 वर्ष के बच्चे, उसके बाद वर्ग 1 के बच्चे जो क्लास 1 में एडमिशन लिए, उसके बाद वर्ग 5 जिस जो पास कर चुके हैं, वर्ग 8 पास कर चुके हैं, फिर 10 और फिर 12, उसके बाद 18 से 20 वर्ष के बच्चे, बच्चियों के लिए, 2 बच्चियों के लिए है। कितना मिलेगा मैडम? सब ग्रुप में 5,000 रुपया का है और 18 से 20 के लिए उसको 10,000 है, उसके बाद फिर अलग से फिर इसका बेनिफिट है। लोगों को जागरूक के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इसको गांव-गांव में सभी महिला प्रवेक्षिका लोग इसको प्रचार कर रही है, सेविका के स्तर से इसको प्रचार किया जा रहा है, ताकि जो भी लाभुक वर्ग है सभी को इसकी सूचना मिले, सभी को इस लाभ से हम लोग